बाद में बस वो हमारा बस और लड़के यहाँ पर आए जब शेरू तो उसका माँ किराए कर ये हमारा अपना मुकाम है। तो सब बोल रहे जो रानी जी तेरा तो बाल बच्चा कोई है नहीं, तेरा तो इसको इतना प्यार करो तो इसको शादी करा। तो हम बोला किसको साथ है, तो अभी बोला टाइगर है वो अबर। तो उसका माँ बोला कि यार रानी मेरे को सब बोलता है रानी तेरा बेटी है हमारा बेटा है हम सब शादी कराए बहुत ही करके बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन बात हुआ दूसरा दिन सब बोला कल हल्दी मंडप है ठीक है, कम से कम 200-300 लेडीज वो समझ ही नहीं आए समझ देखा लग रहा है पूरा हल्दी मंडप जैसे इंसान का होता हम लोग पूरा ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे नियम कानून सब ऐसे लग रहा है कि हमारे ही बच्चा है लग रहा है ये मेरा ही बच्चा है क्यों मेरा बच्चा ना ऐसा कई शादी भी होता है मेरा गाँव में कुछ होता नहीं है गाँव नहीं यार। तो सोचता है इसको भाईना में खुश हो जाए मेरा काम खड़ा। और कल हल्दी मंडप टाइम ही वो सब मेरे को बोलता क्यों रो रहा है तू, लड़का माँ मेरे को गला पकड़ बोलता है रानी दीदी तेरे को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी यही रिश्ता हमेशा बन के रहेगा मौत के दम तक यही रिश्ता ही बन के रहेगा। पड़ोसी थे दिमाग में डाले कि इन दोनों की शादी कर दो, उनकी बेटी थी तो हम दोनों का ही ज़्यादा बनता है, तो हम बोले कि चलो हो जाए शादी। तो ये आपने क्या क्या आयोजन किया है, क्या क्या तैयारी करी है शादी? शादी जैसे एक आम आदमी की शादी ऐसे हमारे लिए शादी ही है, हम इसको जैसे इंसान की हर रस्म रिवाज के साथ शादी होती है ऐसे हमारा भी हर रस्म हर रिवाज के साथ।